के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या कह रहा है कि लेट ए बी द एरिया ऑफ द रीजन एक्स कॉमा वाई, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, वाई अपने पास लेस देन इक्वल टू दे रखा है अपन के पास 2x इंटू 1 माइनस x के बराबर दे रखा है। इस रीजन से जो बॉन्ड इस कर्व से बाउंडेड रीजन का एरिया a के बराबर दे रखा है, तो अपन के पास क्या कह रहा है कि 548 का वैल्यू बताने के लिए। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, सबसे पहले अपने पास कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से अपने पास y इक्वल टू अपने पास y ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वायर के बराबर। y यहां से अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस x का होल स्क्वायर के बराबर, और यहां से दे रखा अपने पास y लेस देन इक्वल टू 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो यह अपने पास 2x, और यहां से सॉल्व किया तो यह गया अपने पास माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर के बराबर। ये अपने पास तीन अलग अलग कर्व आ गया, ठीक है। इस तीनों कर्व से अपने पास क्या कीजिए, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद जो अपने पास कंडीशन दे रखा है उसको सेटिस्फाई करके वो रीजन निकाली, उस रीजन का एरिया इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। तो यहां से आ गया अपने पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर, और यह आ गया अपने पास y इक्वल टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर, और ये आ गया अपने पास y इक्वल टू 2x माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले ये दोनों ग्राफ बनाते हैं, फिर अपने पास ये ग्राफ बनाएंगे। अगर आप थोड़ा गौर से देखते हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या कीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, माइनस 1 कॉमन लेंगे बाहर आएंगे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर को प्लस, स्क्वायर उसको प्लस बना देगा। तो चलिए इस दोनों कर्व को सबसे पहले अपने क्या करते हैं, स्केच कर लेते हैं। तो ये अपने के पास क्या आ गया वाई एक्सिस, और ये रहा अपने के पास एक्स एक्सिस बराबर। इसमें किसी को दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, खैर सीधा ही है, ठीक है। अब अपने के पास क्या करते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व है वो अपने के पास कुछ इस तरीके का बनेगा, जो अपने के पास पिंक कलर का कर्व बना रहे वो अपने के पास वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व अपने के पास ऐसा बन गया बराबर। अब अपने के पास क्या कर रहा है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी x को अपने के पास वन यूनिट इधर शिफ्ट कर दिया गया है। x अगर जीरो कहां पर बनेगा, तो माइनस वन पे बनेगा, सॉरी वन पे अपने के पास ये जीरो बनेगा। तो इसको इसी कर्व को अपने के पास एक यूनिट इधर शिफ्ट कर दिया गया, अगर आप चाहें तो इस कर्व को आप शिफ्ट कर सकते हैं। खैर चलिए हम ब्लैक कलर वाले कर्व आपको लिए बना ही दे रहे हैं, ये वाले अपने के पास कर्व हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दीजिए। ये आ गया अपने के पास y इक्वल टू, अच्छे से बन जाए यार, थोड़ा सा कर्व दिखना भी तो चाहिए कि हाँ ये कर्व बन रहे हैं, ये वाले कर्व आ गए। ये कौन से आ गए, तो इस कर्व का नाम लिख दीजिए, ये वाले जो कर्व है वो अपने के पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर है, और ये वाले जो कर्व है, ये वाले कर्व अपने के पास आ गया y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाले कर्व अपने के पास कौन से होंगे, तो अगर आप ये वाले कर्व गौर से देखते हैं तो ये अपने के पास इसका इंटरसेक्शन पॉइंट माइनस टाइम से, तो अब इसी तरह देखिए ये जो कर्व है अपने के पास डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा बराबर। जब ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा अपने के पास कट कहां पे करेगा, तो x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन पे कट करेगा बराबर। कहां कहां x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन पे कट करेगा, तो ये जो कर्व है ना अपने के पास, हम ग्रीन कलर से जो कर्व बना रहे हैं वो कर्व अपने के पास कुछ इस तरीके का बनेगा। ये जो कर्व है अपने के पास थोड़े से ये यहां से होकर के पास करेगा, ये ऊपर जाएगा और यहाँ होकर के पास कर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा, ठीक है, क्योंकि जीरो और वन से पास करना है और ये अपने पास डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा बराबर। अब देखिए अपने ये पास क्या करना है, अगला क्या है कि ये पॉइंट निकाल, ये पॉइंट निकालने की खैर जरूरत नहीं है, रीजन बताइए। रीजन अपने के पास देखिए वाई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई अपने पास एक्स स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। इस पॉइंट अगर ये लेते हैं तो इसके इधर वाले पॉइंट चाहिए बराबर, अपने के पास पॉइंट सेटिस्फाई कर लीजिए। इसमें अगर अपने के पास इधर कोई पॉइंट लेते 1.1 ले लीजिए, 1.1 इसमें लेते तो 1, अच्छा 2.1 ले लीजिए, 2.1 तो 1 अपने के पास क्या है 2, यहां से अपने के पास 2.1 इसमें सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए। यहां पे अपने के पास क्या कीजिए 0.3 ले लेते हैं, 0.3 लेंगे तो 3 क्या 0 से बड़ा है, तो ये अपने के पास कर्व इधर वाले हो जाएंगे। इस वाले का कर्व भी अपने के पास इधर वाले, और इस वाले का जो होंगे ना वो अपने के पास इधर वाले। इससे बाउंडेड रीजन अपने के पास ये वाले होते हैं, कौन से, ये वाले जो अपने पास रीजन है ना, इस रीजन का अपने के पास एरिया निकालना है। बताएं इस रीजन का एरिया अपने के पास कैसे आएंगे, तो इस रीजन का एरिया अपने के पास दो अलग अलग भाग में स्प्लिट करना पड़ेगा। एक तो अपने के पास इससे इधर अलग निकालना पड़ेगा, और इससे इधर अपने के पास क्या निकालना पड़ेगा, अलग निकालना पड़ेगा। तो बताएं ये अपने के पास ये वाले रीजन अपने के पास एरिया, बताएं ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। चलिए ये पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालिए, इस पॉइंट का अपने के पास इंटरसेक्शन निकालते हैं, और इस पॉइंट का बताएं ये वाले कर्व अपने के पास कौन सा है, तो ये है वाई इक्वल टू अपने के पास 2x माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर के बराबर।
ठीक है, हम क्या करते हैं इस पॉइंट का इंटरसेक्शन सबसे पहले निकालते हैं, ये वाले पॉइंट इस कर्व के साथ सॉल्व हो रहा है, यानी x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते क्या, टू एक्स माइनस टाइम्स टू एक्स स्क्वायर आया ना, ऐसा लिख सकते हैं। इससे आपने के पास x का वैल्यू निकालेंगे तो ये पॉइंट आ जाएंगे, सिर्फ x के कोऑर्डिनेट चाहिए, y कोऑर्डिनेट की जरूरत खैर पड़ेगा नहीं। तो यहां से आपने के पास x कोऑर्डिनेट किसके बराबर जाएंगे देख लीजिए, तो यह आ गया आपने के पास x माइनस वन का होल स्क्वायर और यह आ गया आपने के पास टू, तो यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स यह आ गया टू एक्स सॉरी माइनस टाइम्स टू एक्स माइनस टाइम्स टू एक्स और प्लस टाइम्स वन इक्वल टू आ गया आपने के पास टू एक्स माइनस टाइम्स टू एक्स स्क्वायर के बराबर, सारे क्वांटिटी को इधर भेज देंगे तो यह आ गया आपने के पास एक्स स्क्वायर के बराबर और यह गया आपने माइनस टाइम्स बताइए तो यह गया आपने के पास फोर एक्स और माइनस टाइम्स वन इक्वल टू जीरो के बराबर सॉरी प्लस टाइम्स वन के बराबर। अब अपने के पास निगेटिव चाहिए, यह आपने के पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अब उनके पास मल्टीप्लाई करके ये आने चाहिए तो वन बाय टू वन आ गया यार, कुछ तो दिक्कत हो रहा है दया, इस दोनों को सॉल्व कर ये पॉइंट निकालना है तो डी आपने के पास निगेटिव आ रहा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, चलिए सीधी धारा चार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है, डी निकाली तो डी आपने के पास क्या आ रहे हैं डी इक्वल टू आ जाएंगे आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी आ गया आपके पास 16 और माइनस टाइम्स 4 और ए की जगह आपके पास क्या आ जाएंगे तो 1 तो ये आ गया 4 के बराबर, 16 में से 4 जाएगा आपके पास 12 के बराबर, स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं कुछ तो दिक्कत हो रहा है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएंगे 2x माइनस 2x स्क्वायर के बराबर बराबर तो 2x माइनस 2x अच्छा यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी दिक्कत ये कर दी ना सॉल्व करने में, ये आपके पास आ जाएंगे अगर आप इसको 2x को इधर लाएंगे तो 3x स्क्वायर होंगे ना, 3x स्क्वायर माइनस टाइम्स 4x प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर बराबर, यहाँ से आप सॉल्व कीजिए तो यह आ गया आपने के पास 3x स्क्वायर और यह आ गया 3 के बराबर, तो माइनस टाइम्स 4x माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है तो अपन को चाहिए क्या, माइनस करके चाहिए जोड़ के चाहिए, ये इसको अपने के ऐसे नहीं लिखे, इसको क्या लिख दीजिए आपने के पास माइनस टाइम्स 3x और माइनस टाइम्स x के बराबर, तो 3 एक 4 हो जाएंगे और 3 एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएंगे, तो यह आ गया आपने के पास 3x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 के 1 के बराबर हो जाएंगे, माइनस वन यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो के बराबर, यहाँ से आगे एक्स माइनस वन और इनटू में आ गया आपने के पास थ्री एक्स माइनस वन के बराबर, थ्री एक्स माइनस वन के बराबर इक्वल टू जीरो के बराबर, यानी यहाँ से एक्स का जो वैल्यू आ जाएंगे एक तो वन आ जाएंगे और एक एक्स का वैल्यू आ जाएंगे आपने के पास वन बाई थ्री के बराबर, वन तो आपने के पास ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर से आपने के पास क्रॉस हो रहा है। ठीक है तो ये जो पॉइंट आ जाएंगे ये पॉइंट आपने के पास किसके आ जाएंगे, यहाँ वाले ये वाले पॉइंट बताइए, ये वाले जो पॉइंट आ जाएंगे ये आपने के पास आ जाएंगे वन बाई थ्री के बराबर। अब अगर ये वाले पॉइंट आ जाएंगे तो ये दोनों ना आपस में सिमेट्री है, अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया अगर ए मानते हैं तो इसका भी एरिया अपने पास ए है, तो ये वाला एरिया निकालेंगे फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लीजिए सिमेट्री, अगर आप ग्राफ सही से बनाएंगे तो सिमेट्री ही आएंगे, ग्राफ अपने पास सही से बना नहीं है, खैर अपने पास रेंडम तो ग्राफ तो बनना चाहिए कि हाँ किस रीजन का एरिया निकालना है, तो ये अपने पास इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आएंगे तो इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, किस दोनों को, इस दोनों को सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है तो यहां से आ गया आपने के पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स टू एक्स सॉरी माइनस टाइम्स टू एक्स माइनस टाइम्स टू एक्स और प्लस टाइम्स वन, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां से टू एक्स इक्वल टू आ गया वन के बराबर, एक्स इक्वल टू आ गया आपने के पास हाफ के बराबर बराबर। अब आपने के पास इंटरग्रेट कर लीजिए, ये जो आपने के पास एक्स इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे हाफ के बराबर, वन बाई थ्री से लेकर के वन बाई टू तक आपने के पास ए निकालते हैं रिक्वायर्ड एरिया टू ए के बराबर हो जाएंगे। ठीक है तो यहां से आपने के पास ए का वैल्यू बताएं तो यहाँ से a इक्वल टू किस पर आ जाएंगे इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट अपने के पास 1 बाई थ्री है और अपर लिमिट अपने के पास 1 बाई टू है। अब अपने के पास क्या आ जाएंगे, अपर करो माइनस लोअर करो, अपर करो अपने के पास 2x माइनस 2x स्क्वायर के बराबर है, यह अपने के पास 2x माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स लोअर करो बताएं तो लोअर करो इस पर इस रीजन में अपने के पास क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आप अपने के पास आ जाएंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इन टू में अपने के पास क्या आ जाएंगे डी एक्स के बराबर। इनको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, थोड़ा क्या पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो ए इक्वल टू आ जाएंगे अपने के पास थोड़ी सी इसको अंदर वाए ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ गया टू एक्स माइनस टाइम्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास टू एक्स के बराबर और आगे अपने के पास किसके बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स वन के बराबर और इन टू अपने के पास आ जाएंगे डी एक्स के बराबर, लोअर लिमिट है अपने के पास वन बाई थ्री, अपर लिमिट है अपने के पास वन बाई टू के बराबर, यहाँ से इसको थोड़े से सॉल्व कीजिए तो इंटीग्रेशन वन बाई थ्री और यह आ गया अपने के पास वन बाई टू के बराबर, यहाँ से टू एक्स टू एक्स फोर एक्स के बराबर जाएंगे टू एक्स तो यह आ गया अपने के पास फोर एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स यह आ गया अपने के पास टू एक्स स्क्वायर के बराबर सॉरी हाँ टू एक्स नहीं थ्री एक्स स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स थ्री एक्स स्क्वायर के बराबर और यह आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स वन और इन टू में अपने के पास क्या आ जाएंगे डी एक्स के बराबर। अब इसको क्या कीजिए इंटीग्रेट कर लीजिए, कर सकते हैं इंटीग्रेट काफ़ी ज़्यादा आसान, इंटीग्रेट करेंगे तो आपने के पास किसके बराबर जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास फोर एक्स स्क्वायर बाई टू के बराबर
माइनस टाइम्स थ्री एक्स क्यू अपॉन में टू के बराबर, सॉरी थ्री के बराबर, और यहां से आप लेंगे किसके बराबर जाएंगे अपॉन में थ्री और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट चिपका दीजिए तो वन बाई थ्री और ये आ गया आपने वन बाई टू के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आपने के पास कुछ और कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये और टू टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आ गया आपने टू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स क्यू और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर। अब आपने के लोअर और अपर वन बाई टू और ये आ गया वन बाई थ्री, ठीक है लोअर लिमिट डालेंगे तो वन बाई फोर के बराबर, तो ये आ गया आपने किस तरह डायरेक्ट वन बाई टू लिख देते हैं बराबर माइनस टाइम्स वन बाई एट के बराबर और ये आ गया माइनस टाइम्स वन बाई टू के बराबर। लोअर लिमिट डालने के बाद ये आ गया माइनस टाइम्स अपर लिमिट, ये आ गया अपने के पास टू बाई नाइन के बराबर माइनस टाइम्स वन बाई ट्वेंटी सेवन के बराबर, ठीक है और माइनस टाइम्स वन बाई थ्री के बराबर बराबर। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करें तो इसके एलसीएम तो आपने के पास ऐसे दिख रहे हैं आठ, ठीक है आठ क्या ये तो आपने के पास कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो गए, अगर वन बाई टू डालेंगे ये आ गया वन बाई फोर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो माइनस वन बाई एट के बराबर, और यहाँ से सॉल्व किया तो एलसीएम आपने के पास इसके दिख रहे हैं ट्वेंटी सेवन के बराबर, तो ये आ गया आपने के पास नौ तीस सत्ताईस छः और माइनस वन और माइनस टाइम्स ये आपने के पास किस तरह आ जाएगा तीन नमा सत्ताईस के बराबर, ये हो जाएंगे ना तो माइनस टाइम्स नाइन के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस टाइम्स वन बाई एट और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये आ गया आपने के पास नौ एक दस चार तो फोर अपॉन में आपने के पास ट्वेंटी सेवन के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यही हो जाएंगे ना माइनस टाइम वन ये आ गया और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया प्लस टाइम्स फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन। अब क्या कीजिए ट्वेंटी सेवन और एट का आपने के पास फैक्ट ये कीजिए एलसीएम तो कुछ होने वाला नहीं, इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा तो टू हंड्रेड सिक्सटीन ये आ जाएंगे और ये आ गया आपने के पास माइनस टाइम्स ट्वेंटी सेवन के बराबर और प्लस टाइम्स आठ चौका बत्तीस के बराबर बराबर। इनको आगे फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपने के पास किसके बराबर जाएंगे बताएं, तो ये आ गया अपन के पास ट्वेंटी सेवन और बत्तीस में से तो ये आ गया आठ छः चौदह, बत्तीस में से सत्ताईस माइनस कर लीजिए तो ये आ गया अपने के पास सात, बारह में से सात जाएगा पाँच तो फाइव अपॉन टू हंड्रेड सिक्सटीन के बराबर आ जाएंगे। तो ये अपने के पास क्या आ गया एरिया आ गया, कितना आ गया फाइव अपॉन टू हंड्रेड सिक्सटीन के बराबर। अब अपने के पास देखिए ए तो अपने के पास सिर्फ एक साइड का आया लेकिन अपने के पास ये सिमेट्री है, जब इधर भी निकालेंगे तो ये भी ए के बराबर हो जाएगा, यानी अपने के पास टू ए रिक्वायर्ड जो अपने के पास एरिया होगा वो अपने के पास किसके बराबर जाएंगे टू ए के बराबर। यहां से आप लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू अपने पास टू ए के बराबर है और वो अपने पास किस तरह आ जाएगा फाइव हंड्रेड टू इंटू फाइव अपॉन टू इंटू फाइव अपॉन टू हंड्रेड सिक्सटीन के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास किसके बराबर आ जाएगा दो एकम दो जीरो दो अठे सोलह, यानी आ गया फाइव अपॉन वन जीरो एट के बराबर। ये अपने के पास क्या आ जाएंगे रिक्वायर्ड एरिया और इसको अपने पास क्वेश्चन में ए दे बोल रखा है तो ए अपने पास आ गया फाइव अपॉन वन जीरो एट के बराबर, लेकिन अपने पास क्वेश्चन में ए नहीं पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में कुछ और पूछ रखा है। देखिए अपने पास क्या कर रहा है फाइव हंड्रेड फोर्टी इंटू ए के बराबर, तो ए इक्वल टू आ गया अपने पास किस तरह फाइव अपॉन वन जीरो एट के बराबर और अपने पास क्या कर रहा है फाइव हंड्रेड फोर्टी और मल्टीप्लाइड बाई ए के बारे में वैल्यू पूछ रखा है तो बताए तो फाइव हंड्रेड फोर्टी मल्टीप्लाइड बाई फाइव अपॉन वन जीरो एट के बराबर, ये अपने पास फाइव आठ पंचे चालीस तो ये फाइव टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो पांच को पांच से मल्टीप्लाई कीजिए ट्वेंटी फाइव के बराबर। तो अपने का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वहां पर ये आ जाएंगे ट्वेंटी फाइव के बराबर और यही अपने का क्या जाएंगे इनके आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने का काफी अच्छे क्वेश्चन, इसमें अपने के पास इसको सिमेट्री हम इसलिए बोल दिए क्योंकि यही ग्राफ आगे शिफ्ट हुआ है, अगर x माइनस वन का होल स्क्वायर में अगर एक्स वन माइनस कर लेते हैं तो ये वाले ग्राफ बन जाएंगे, तो इसीलिए हम इसको सिमेट्री बोल दिए, ऐसे भी ग्राफ बनाएंगे तो एक्जैक्टली सिमेट्री ही होंगे। तो ये थे अपने के पास जेई मेन्स के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।